सब्सक्राइब करें टेक माइंड बर्ड चैनल को और क्लिक करें इस बेल बटन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर आपके टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी का इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुका है और आप ऑनलाइन घर बैठे बिना किसी कागजी कार्यवाही के इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो आप अमेज़न पे से किसी भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर गाड़ी का इंश्योरेंस अपने मोबाइल फोन से खुद से ही घर बैठे खरीद सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बाइक का इंश्योरेंस लाइव करके दिखाऊंगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमेश सैनी और आप देख रहे हैं YouTube चैनल टेक माइंड वर्ल्ड। Amazon ऐप को ओपन करेंगे। ऐप ओपन करने पर इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहां आपको Amazon पे का ऑप्शन मिलेगा। या तो आप इस पर क्लिक करेंगे या फिर लेफ्ट साइड में ऊपर थ्री लाइंस पर क्लिक करेंगे तो मेनू ओपन हो जाएगा। यहां आपको Amazon पे का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अब पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कार इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप कार का इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो आप कार इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे और बाइक का इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं तो बाइक इंश्योरेंस पर क्लिक करेंगे। मैं आपको बाइक का इंश्योरेंस लाइव करके दिखा रहा हूं। तो चलिए हम बाइक इंश्योरेंस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आप बाइक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ कुछ ऑफर दिए हैं जो प्राइम यूजर के लिए हैं। अगर आप प्राइम यूजर हैं तभी आपको इस ऑफर का फायदा मिलेगा। इसके बाद यहाँ आपको रिमाइंड मी लेटर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप डिटेल शेयर करेंगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायर होने से पहले आपको अमेज़न की तरफ से रिमाइंड मिल जाएगा। इसके बाद आप यहां देख सकते हैं क्यों आपको Amazon पे से गाड़ी का इंश्योरेंस खरीदना चाहिए। ये आपको यहां पर बताया गया है। आपको लो प्राइस में इंश्योरेंस मिलेगा। आप सिर्फ 2 मिनट में इंश्योरेंस खरीद सकते हैं। कोई भी पेपर वर्क नहीं है, ना ही कोई अनवांटेड कॉल्स आएगी। यहां नीचे और भी बेनिफिट्स बताए गए हैं, जैसे कि हासिले फ्री क्लेम्स। आपकी डैमेज गाड़ी को 1 घंटे के अंदर पिकअप कर लिया जाएगा। पिकअप करने के बाद 3 दिन में गाड़ी को रिपेयर करके आपके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और इसमें आपको कैशलेस क्लेम्स की सुविधा भी मिलती है। कैशलेस क्लेम्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर आपकी गाड़ी एक्सीडेंट में डैमेज हो जाती है, चाहे वो बाइक हो या कार हो, उसका आपने जो इंश्योरेंस खरीदा है उसके इंश्योरेंस में कैशलेस क्लेम्स है, तो आपके कार या बाइक का जो भी पार्ट्स सर्विस सेंटर पर रिपेयर या चेंज होगा तो उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी उस सर्विस सेंटर से डायरेक्ट डील कर लेगी। आपको वहां पर कोई पैसा नहीं देना होगा। लेकिन कैशलेस क्लेम्स की सुविधा कुछ ही शहरों में अवेलेबल है। आप यहां देख सकते हैं अहमदाबाद, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे जैसे शहरों में कैशलेस क्लेम्स की सुविधा अवेलेबल है। आप Amazon पे से गाड़ी का जो इंश्योरेंस खरीद रहे हैं वो आप एको जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड कंपनी से खरीद रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो नीचे यहाँ कंपनी का फोन नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस दिया गया है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इंश्योरेंस खरीदने का पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। यहाँ से बाइक ऑप्शन को सेलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी की लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपकी जिस कंपनी की बाइक है यहाँ से उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से हीरो मोटोकॉर्प सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बाइक मॉडल लिस्ट ओपन हो जाएगी। आपने जो मैन्युफैक्चरर कंपनी सिलेक्ट की होगी यहाँ उसी कंपनी के सभी बाइक मॉडल शो होंगे। आपकी बाइक का मॉडल कौन सा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम पैशन एक्स प्रो सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से बाइक वेरिएंट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पिन कोड एंटर करने के लिए बोला जाएगा। आप कहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड डालकर कंटिन्यू करेंगे। आपने गाड़ी कब खरीदी थी यहाँ से उसका ईयर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे। क्या आपकी पॉलिसी एक्टिव है? अगर एक्टिव है तो यस इट इज एक्टिव पर क्लिक करेंगे, और पॉलिसी एक्सपायर हो चुकी है तो नो इट इज एक्सपायर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ से प्लान सेलेक्ट करेंगे। आप कौन सा इंश्योरेंस प्लान खरीदना चाहते हैं? यहाँ 2 प्लान दिए गए हैं, बाइक कॉम्प्रेहेंसिव और बाइक थर्ड पार्टी। कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस में ओन डैमेज और थर्ड पार्टी डैमेज दोनों कवर किए जाएंगे, और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में आपका खुद का डैमेज कवर नहीं होगा, सिर्फ थर्ड पार्टी का ही डैमेज कवर होगा। प्रत्येक वाहन धारक को, चाहे उसके पास टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो या उससे भी बड़ा वाहन हो, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना कानूनन अनिवार्य है। कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस में आपका और थर्ड पार्टी दोनों का डैमेज कवर होता है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस प्लान खरीदें। कॉम्प्रेहेंसिव इंश्योरेंस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस से थोड़ा महंगा होता है। चलिए हम कॉम्प्रेहेंसिव सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ आपकी गाड़ी की वैल्यू आ जाती है। आप एडिट पर क्लिक करके इसे घटा बढ़ा सकते हैं, तो हम इसे ज्यादा से ज्यादा रखेंगे। हमने 29,766 सेलेक्ट कर लिया है। इसे कंटिन्यू करेंगे।
गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू कम या ज़्यादा करने पर इंश्योरेंस प्लान की अमाउंट भी घटे बढ़ेगी। जैसे कि हमने गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू बढ़ा दी है तो यहाँ इंश्योरेंस प्लान की अमाउंट भी बढ़ गई है। यहाँ 1 साल 2 साल और 3 साल के प्लान दिए गए हैं। अगर हम 1 साल का प्लान खरीदेंगे तो हमें 905 रुपये प्लस GST देना होगा। 2 साल का प्लान खरीदेंगे तो 1754 रुपये प्लस GST देना होगा। और अगर 3 साल का प्लान खरीदेंगे तो 2575 रुपये प्लस GST देना होगा। आप जितने ज्यादा समय के लिए प्लान खरीदेंगे आपको प्लान उतना ही सस्ता पड़ेगा। अगर आप पर्सनल एक्सीडेंट कवर लेना चाहते हैं तो आप यहां टिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 350 रुपये प्लस GST और देना होगा। और आप यहां टिक करके 50 रुपये में हेलमेट प्रोटेक्ट ले सकते हैं। और आप यहां क्लिक करके देख सकते हैं किस चीज के लिए आपको कितने रुपए पे करने पड़ रहे हैं। ओन डैमेज कवर के लिए 203 रुपए और थर्ड पार्टी कवर के लिए 752 रुपए पे करने हैं। यहां हमें 50 रुपए का डिस्काउंट मिला है और 18% के हिसाब से 163 रुपए GST के देने हैं। तो हमें टोटल 1068 रुपए पे करने हैं। आप पेज को स्क्रॉल करके नीचे रीड कर सकते हैं क्या क्या कवर किया जाएगा और क्या कवर नहीं किया जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होगी उसे सॉल्व कर दिया जाएगा। इसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ अपनी डिटेल डालेंगे, यहाँ अपना नाम डालेंगे जैसे कि आपकी RC पर है, यहाँ ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ नॉमिनी का नाम डालेंगे। यह ऑप्शनल है, नॉमिनी का नाम डाल भी सकते हैं या ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, आपका नॉमिनी के साथ क्या रिलेशन है। यहाँ क्लिक करके आप GST डिटेल ऐड कर सकते हैं जिससे आपको टैक्स पे करने में बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ एक्सपायर पॉलिसी की डिटेल डालेंगे, यहाँ पॉलिसी की एक्सपायरी डेट डालेंगे। यहाँ से सेलेक्ट करना है आपने जो पहले इंश्योरेंस करवाया था वो किस कंपनी से करवाया था, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ प्रीवियस पॉलिसी का नंबर डालेंगे, ये ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते। यहाँ बाइक की डिटेल डालेंगे, सबसे पहले यहाँ गाड़ी का नंबर डालेंगे, यहाँ चेसिस नंबर डालेंगे, यहाँ गाड़ी का इंजन नंबर डालेंगे। अगर आपने बाइक पे लोन लिया है तो इस चेकबॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ टिक करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद आपने अब तक जितनी भी डिटेल फिल की है यहाँ वो सब डिटेल आ जाएगी। एक बार डिटेल को चेक कर लेंगे, सभी डिटेल सही है तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेमेंट गेटवे पेज ओपन हो जाएगा। आप इसका पेमेंट अमेजोन पे बैलेंस से या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। हम डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे। चलिए डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ डेबिट कार्ड की डिटेल डालेंगे, यहाँ कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे, यहाँ 16 अंकों का कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ से कार्ड का एक्सपायरी मंथ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कार्ड का एक्सपायरी ईयर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ 3 अंकों का CVV नंबर डालेंगे जो कार्ड के पीछे लिखा होता है। इसके बाद ऐड योर कार्ड पर क्लिक करेंगे। ऐड पर क्लिक करते ही यहाँ आपका डेबिट कार्ड ऐड हो जाएगा। हमारे अमेजोन वॉलेट में 10 रुपए का बैलेंस है, 10 रुपए हम वॉलेट से पे करेंगे और बाकी के 1058 रुपए डेबिट कार्ड से पे करेंगे। यहाँ CVV नंबर डालकर पे बटन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ डालकर सबमिट करेंगे। सबमिट करते ही पेमेंट प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी। जब तक पेमेंट प्रोसेसिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक रिफ्रेश या बैक बटन नहीं दबाना है। ये देखिए पेमेंट हो गया है और इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड हो गई है। यहाँ इंश्योरेंस की डिटेल आ गई है, पॉलिसी ओनर नेम, पॉलिसी नंबर, बाइक नेम, वैलिडिटी डेट, इंश्योरेंस कब से कब तक वैलिड रहेगा। और नीचे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इंश्योरेंस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास रख सकते हैं। चेकिंग के दौरान आप इसे ट्रैफिक पुलिस को दिखा सकते हैं। यहाँ पॉलिसी की डिटेल दी गई है, यहाँ गाड़ी की डिटेल दी है और नीचे गाड़ी की इंश्योरेंस वैल्यू और प्रीमियम डिटेल दी गई है। अगर आप बाद में कभी भी इंश्योरेंस को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप यहाँ 3 लाइन्स पर क्लिक करेंगे, अभी और ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ सभी ऑर्डर शो हो जाएंगे। जैसे कि हमने बाइक इंश्योरेंस खरीदा है वो यहाँ शो हो रहा है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इंश्योरेंस की पूरी डिटेल शो हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इंश्योरेंस की फुल डिटेल शो हो गई है। और आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको डाउनलोड पॉलिसी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करके इंश्योरेंस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी पर भी इंश्योरेंस पॉलिसी का मेल आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर मेल आ गया है। और आप पेज को स्क्रॉल करेंगे तो नीचे आपको अटैचमेंट मिल जाएगा, आप यहां से भी इंश्योरेंस पॉलिसी को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आपके मोबाइल पर भी मैसेज आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं पॉलिसी इशूड, यहां बाइक इंश्योरेंस की डिटेल दी गई है।
दोस्तों अब आप Amazon पे से ऑनलाइन बाइक का इंश्योरेंस खरीदना सीख गए हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा जिससे हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।